गोक्षुरा, वरुणा, पुनर्वा, पाषाण भेद, मोरिंगा। किडनी स्टोन एक ऐसी समस्या है जो आजकल हर दूसरे व्यक्ति को हो रही है। आयुर्वेद जो है वो कहता है कि किडनी स्टोन होने का कारण है वत, पित्त और कफ, इनके अंदर दोष का संतुलन होना। मॉडर्न साइंस कहती है कि किडनी स्टोन होता है जब आप पानी कम पीते हैं, जब आप कैल्शियम ज्यादा लेते हैं, ऑक्सलेट बढ़ता है, या आपकी बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस है। जिस कॉलेज से मैंने पढ़ाई करी थी उस कॉलेज में हमने रिसर्च की थी जिसमें ESWL मतलब शॉक वेव पेशेंट्स में जिसमें स्टोन को तोड़ते हैं उनमें जब हमने वरुणा ऐड किया तो स्टोन क्लियरेंस रेट हायर था। आयुर्वेद में इसके लिए कुछ इफेक्टिव घरेलू उपाय अवेलेबल है जो पथरी के तोड़ने और निकालने में मदद करते हैं। क्या आप भी किडनी स्टोन के दर्द से बचना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका किडनी स्टोन घर बैठे निकल जाए? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करेंगे टॉप आयुर्वेदिक उपायों के बारे में जो किडनी स्टोन को नेचुरल तरीके से तोड़ने और निकालने में मदद करते हैं। आप हैरान हो तो ये, मैं डॉक्टर हूँ, यूरोलॉजिस्ट हूँ, मैं किडनी स्टोन की सर्जरी करता हूँ, पर मैं यही मानता हूँ कि हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जिस पे रिसर्च है, और आज हम उन्हीं कुछ आयुर्वेदिक नुस्खों की बात करेंगे जो आप घर बैठे यूज कर सकते हैं जिससे आपको मेरे पास किसी भी यूरोलॉजिस्ट के जाए बिना आपका स्टोन निकल जाएगा। पर साथ भी हम ये भी समझेंगे कि आपको सर्जरी की कब जरूरत है, कब आप ये नुस्खे नहीं ले सकते और किस कंडीशन में आप ये नुस्खे यूज कर सकते हैं। तो हम इसको एक बैलेंस डिस्कशन बनाएंगे। ब्लाइंडली पेशेंट आते हैं कि सर हमारा 4 सेंटीमीटर का स्टोन था वो निकल गया आयुर्वेदिक से, ऐसा होता नहीं है। मिरेकल तो होते हैं, भगवान करता है मिरेकल, बट हम बात करेंगे साइंस की। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजयंत गोविंद गुप्ता, एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट। किडनी स्टोन एक ऐसी समस्या है जो आजकल हर दूसरे व्यक्ति को हो रही है, लेकिन आयुर्वेद में इसके लिए कुछ इफेक्टिव घरेलू उपाय अवेलेबल है जो पथरी के तोड़ने और निकालने में मदद करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कौन सी दवाइयां हैं किडनी स्टोन की जो प्रभावी है, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या है, कैसे काम करती है और उनके पीछे वैज्ञानिक रिसर्च क्या है, क्योंकि मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ, मैं आपको नॉन साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे किडनी स्टोन क्या होता है। वैसे तो अगर आप मेरे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो मेरे किडनी स्टोन के बहुत सारे वीडियोज आपने देखे होंगे, आपको वैसे पता ही होगा किडनी स्टोन होते क्या है। वो फिर से एक बार एक छोटा रिकैप कि किडनी स्टोन एक सॉलिड डिपॉजिट है, एक स्टोन है जो किडनी के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट या यूरिक एसिड की वजह से बनते हैं। ये मिनरल्स वो है जो किडनी सफाई करती है, और ये कचरा अगर गाढ़ा हो जाए तो ये गाढ़ा होकर चिपक जाता है और स्टोन बनाता है। जब ये स्टोन छोटे होते हैं तो यूरिन के साथ निकल जाते हैं, पर ये स्टोन बड़े होने पे किडनी में दिक्कत करते हैं। और स्टोन अगर आपकी किडनी में है तो आपको कुछ लक्षण होंगे, जैसे आपके पेशाब में जलन होगी, आपके कमर में दर्द होगा, हो सकता है आपके पेशाब में कुछ खून की बूंदें निकले, या आपको पेशाब रुक के आए। आयुर्वेद में इसको जो आयुर्वेद जो है वो कहता है कि किडनी स्टोन होने का कारण है वत, पित्त और कफ, इनके अंदर दोष का संतुलन होना। मॉडर्न साइंस कहती है कि किडनी स्टोन होता है जब आप पानी कम पीते हैं, जब आप कैल्शियम ज्यादा लेते हैं, ऑक्सलेट बढ़ता है, या आपकी बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस है। दोनों ही अपने समय के हिसाब से ठीक है, पर मोटा मोटा आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होने की वजह से स्टोन बनते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आप दवाइयां कब खाएं, पहले बताऊंगा कि दवाई कब नहीं खानी। देखिए, हर किडनी स्टोन का आयुर्वेदिक उपाय से इलाज नहीं हो सकता, कुछ स्थितियों में सर्जरी आवश्यक होती है, नहीं तो आपको कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। कॉम्प्लिकेशन मतलब किडनी खराब हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, बुखार आ सकता है, सेप्सिस हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहला, बड़े स्टोन। अगर आपका स्टोन 8 mm से बड़ा हो गया, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 15 mm, 30 mm, तो ये नेचुरल तरीके से निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि आपका जो पेशाब का रास्ता है वो कुल 4 mm का है। तो एक 4 mm के रास्ते में से 12 mm की पथरी नहीं निकलेगी, और निकलेगी तो इतना बड़ा घाव बना देगी कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा, यूरेटर ब्लॉक। अगर आपके पेशाब की नलकी, अगर आपके स्टोन यूरेटर में अटक कर यूरिन फ्लो को रोक रहा है तो सर्जरी जरूरी हो जाती है। यूरिन फ्लो रुक गया है तो वहां तक दवाई कैसे पहुंचेगी? दिमाग लगाइए, अगर आप दवाई खा रहे हैं तो दवाई पहले ब्लड में जाएगी, पेशाब में जाके स्टोन तक पहुंचेगी। अगर स्टोन अटक गया है और वहां पेशाब भी अटक गया तो वहां दवाई पहुंचेगी नहीं। तो जो बेवकूफ इंसान ये बोलते हैं कि दवाई खा लो, अटका हुआ स्टोन निकल जाएगा, नहीं निकलने वाला, क्योंकि वहां तक दवाई पहुंच ही नहीं पाएगी। अगर स्टोन के कारण यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, बुखार आ गया है, पस पड़ गई है, तो इसको भी आपको टाइमली मैनेज करना है, वरना किडनी थक जाएगी, किडनी डैमेज हो जाएगी। अगर स्टोन के कारण किडनी फंक्शन प्रभावित हो गया है, क्रिएटिनिन बढ़ गया है, तो भैया किडनी मांगनी पड़ेगी दूसरे आदमी से, ट्रांसप्लांट होगा, डायलिसिस पे जाओगे। इसलिए अपनी कंडीशन को समझना जरूरी है। हर केस में आयुर्वेदिक उपाय काम नहीं करते, पर आयुर्वेदिक उपाय किसके लिए सूटेबल है, ऐसा नहीं कि सब में काम नहीं करते। अगर आपका स्टोन का साइज 7 mm से छोटा है, छोटे स्टोन है, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, आपके स्टोन की वजह से किडनी में कोई डैमेज नहीं है, किडनी में रुकावट नहीं है, किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं है, किडनी में पेशाब रुका नहीं हुआ, पेशेंट के पास स्टोन के नेचुरल तौर पे निकालने का टाइम है, आपका स्टोन है किडनी में, आपने जाना है अमेरिका, आपने जाना है कॉलेज, आपने जाना है आर्मी एंट्रेंस में, आपने जाना है बाहर, आपकी होने वाली है शादी, आपके पास टाइम ही नहीं है ठीक करने का, और
स्टोन जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का बना हो, यूरिक एसिड स्टोन नॉर्मली नहीं काम करते, अगर ऑक्सलेट जो कॉमन है वो स्टोन हो तो ये कंडीशंस में आप आयुर्वेदिक इलाज कर सकते हैं। अगर आपके स्टोन का साइज छोटा है, सीवियर दर्द नहीं है, आयुर्वेदिक इलाज काफी इफेक्टिव हो सकता है। तो इन प्रिकॉशंस के बाद एक लाइन में और ऐड करूंगा आपके लिए, किडनी स्टोन का इलाज कराइए, आयुर्वेदिक कराइए, नेचुरल कराइए, सर्जरी कराइए, पर एक यूरोलॉजिस्ट को पहले जरूर दिखाइए, डॉक्टर को दिखाइए, वो आपके टेस्ट करा के आपका KFT, शुगर, आपके अल्ट्रासाउंड, आपका सब देख के बता देगा कि ये किस तरीके से है। अगर स्टोन नॉन डैमेजिंग है, स्टोन छोटा है, तो आप 3-4 महीने कंफर्टेबली ये दवाइयां ट्राई करिए, हो सकता है। देखो ये सारी दवाइयां इमरजेंसी में काम नहीं करती, ये दवाइयां टाइम लेती है, 2 महीने टाइम लेती है, करने का टाइम है तो लीजिए, पर अपनी किडनी को रिस्क में डाले बिना। तो सबसे पहली बम्पर दवाई जिसको मैंने खुद यूज करके देखा है, जिसका सबसे रिसर्च है और जिसके जो एक्चुअली काम करती है वो है गोक्षुरा। यस, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, गोक्षुरा, गोखरू भी बोलते हैं इसको। गोखरू एक बहुत अच्छा यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन कम करता है। गोक्षुरा नेचुरल डायुरेटिक है जो यूरिन का फ्लो बढ़ाता है। गोक्षुरा किडनी के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन कम करता है। ये एक लिथोट्रिप्सिव ड्रग है, मतलब ये स्टोन को तोड़ने में घुलने में हेल्प करती है। और गोखरा पे साइंटिफिक एविडेंस भी है, बहुत स्टडीज है। गोक्षुरा के रेगुलर उपयोग से यूरिन फ्लो और किडनी स्टोन के सिम्टम में 60% सुधार, 60% सुधार, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन। तो गोखरू गोक्षुरा एक बहुत अच्छी दवाई किडनी स्टोन घोलने के लिए आयुर्वेद में है, और इसको आप पाउडर फॉर्म में, इसको आप कैप्सूल फॉर्म में, इसको आप काढ़े के फॉर्म में, इसको आप जैसे आयुर्वेद में बताते हैं उस फॉर्म में यूज करके अपने किडनी स्टोन को घर पे मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड, वरुणा। वरुणा बेसिकली ये UTI की दवाई है। वरुणा आयुर्वेद में मोस्टली यूरिनरी फ्लो के लिए है, स्टोन के लिए वरुणा का रोल कम है। ये किडनी के क्रिएटिनिन के लिए, किडनी की हेल्थ के लिए, यूरिन फ्लो के लिए, डायुरेटिक के लिए हेल्पफुल है, पर वरुणा का एक रोल है जो है यूरेट्रिक स्टोन के लिए। जहां किडनी का स्टोन यूरेटर में फंस जाता है तो वरुणा यूरेटर के मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे स्टोन को निकलने में आसानी हो जाती है। तो अगर स्टोन फंसा हुआ है, वैसे तो फंसे हुए स्टोन में दवाई पहुंचती नहीं है, पर छोटा स्टोन है, 5-6 mm का स्टोन है, नीचे उतर रहा है, तो वरुणा कैन बी यूज्ड। जिस कॉलेज से मैंने पढ़ाई करी थी उस कॉलेज में हमने रिसर्च की थी जिसमें ESWL मतलब शॉक वेव पेशेंट्स में जिसमें स्टोन को तोड़ते हैं, उनमें जब हमने वरुणा ऐड किया तो स्टोन क्लियरेंस रेट हायर था। मतलब वरुणा के रेगुलर उपयोग से स्टोन निकलते हैं, यूरेट्रिक स्टोन भी निकलते हैं। तो वरुणा एक अच्छी दवा हो सकती है अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो भी, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो भी, और अगर आपकी सर्जरी हो चुकी है और आपका स्टोन खत्म हो चुका है तो रेगुलर यूज से ले सकते हैं ताकि आपको फिर से स्टोन ना बने। फिर पुनर्वा। तो पुनर्वा या पत्थर चढ़ी या पत्थर चटी, पुनर्वा एक नेचुरल लिथोट्राइट है। तो पुनर्वा एक पोटेंट डायुरेटिक है जो फ्लूइड रिटेंशन कम करता है। पुनर्वा एक लिथोट्राइट है जो स्टोन को तोड़ता है। पुनर्वा एक एंटी इंफ्लेमेटरी एंटी ऑक्सीडेंट है जो किडनी के फंक्शन को स्ट्रांग करता है। और पुनर्वा एक ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टोन ब्रेकर है जिससे काफी बार किडनी स्टोन बड़ा साइज है वो भी मैंने देखा है हमारे मरीजों में। देखो मरीज देखते हैं, एक्सपीरियंस भी कुछ होता है, बहुत पेशेंट हर पेशेंट सर्जरी कराता नहीं है, कई बार हम एडवाइस करते हैं चले जाता है, आते हैं 3 महीने बाद के साथ देखो स्टोन ना निकल गया। तो पुनर्वा के एक्सट्रैक्ट के यूज से यूरिन आउटपुट और किडनी फंक्शन में बेहतरी होती है और स्टोन निकलने में भी हेल्प होती है। अच्छी ड्रग है पर अगेन केयरफुल। देखो आयुर्वेदिक ड्रग का मतलब ये नहीं कि आप बिना किसी चीज के बस खाए जा रहे। रेगुलर जैसे हम लोग करते हैं हर 7 दिन में अल्ट्रासाउंड, यूरिन में कोई कल्चर में पस तो नहीं आ रहा है, आरबीसी नहीं आ रहा है, KFT मॉनिटरिंग प्रॉपरली करेंगे तो हो सकता है दवाई आपको काम करे। फिर पाषाण भेद, सॉरी पिछले वाले नहीं, पाषाण भेद इज कॉल्ड पत्थर चटी, वो पुनर्वा नहीं है। हाँ, पर पाषाण भेद अगेन स्टोन तोड़ने वाला गुणों से युक्त है, इसमें एंटीबैक्टीरियल एंटी इंफ्लेमेटरी देखो लिखा बहुत कुछ होता है, पर मोटा मोटा पाषाण भेद के बारे में भी बहुत सारी स्टडीज है। मैंने पर्सनली किसी मरीज में इसको यूज होते हुए देखा नहीं है, पर हाँ जो ये बने बनाए कॉम्बिनेशन आते हैं नीरी गुगलू गोगरू बहुत सारे पेशेंट लेते हैं, उनमें ये पाषाण भेद एक मेन एलिमेंट होता है। पर मेरे हिसाब से अगर वो यूज करना है तो गोखरू वरुणा और पुनर्वा ये अच्छी है। और एक मोरिंगा, मोरिंगा है एक जो अगेन बहुत कहते हैं, मोरिंगा साउथ इंडिया में ज्यादा यूज होता है, अगेन नेचुरल डिटॉक्सीफायर है, UTI में हेल्प करता है, मोस्टली किडनी स्टोन के सिम्टम में मोरिंगा हेल्पफुल होता है जहाँ जलन पेन है, पर मोरिंगा से नॉर्मली स्टोन नहीं निकलते, स्टोन नहीं खत्म होते। तो फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं डिस्क्लेमर के साथ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है, कृपया किसी भी आयुर्वेदिक दवा को अपने डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। और मैं डॉक्टर एलोपैथी का हूँ, मैं आयुर्वेदिक के लिए आपको प्रमोट भी नहीं कर रहा, पर अगर कोई दवाई हमारे ग्रंथों में लिखी है तो उसको यूज करने में कोई हार्म नहीं है, बशर्ते आप प्रॉपर केयर में हो। तो एंडिंग दोस्तों, अगर आप किडनी स्टोन से पीड़ित हैं तो आयुर्वेदिक उपाय अपने को स्टोन को नेचुरल तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अगर स्टोन का साइज बड़ा है तो सर्जरी के लिए समय पर सलाह ले लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब बाबा चाहता है कि आप हमारे चैनल पे आए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो ही ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।